छुट्टी ना मिलने से नाराज होने पर एम्प्लॉय ने डी मार्ट में लगा दी आग। भेंदर वेस्ट के मेन डीपी रोड पर स्थित डी मार्ट में काम करने वाली महक अग्रवाल नामी एम्प्लॉय काफी दिनों से लीव के लिए एप्लीकेशन दे रही थी, पर लीव अप्रूव ही नहीं हो रही थी। साथ ही वो अपनी शिफ्ट्स और टाइमिंग से भी नाखुश थी और थर्सडे को दोबारा लीव अप्लाई की गई, लेकिन लीव अप्रूव नहीं होने पर वो नाराज हो गई और नाराज होने के बाद उसने कपड़ों और टॉयज के सेक्शन में आग लगा दी, जिससे हड़कंप मच गया और स्टोर के एम्प्लॉयज ने आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक 20,000 रुपये कीमत का माल जलकर खाक हो चुका था। स्टोर मैनेजर ने FIR की है और कोई भी कमेंट देने से इनकार किया। भिवंडी के धामनकर नाका स्थित महापालिका उर्दू स्कूल में बारिश की वजह से पानी भर गया। पानी भरने की वजह से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे बेंच पर चढ़ गए और इसी हालत में उन्हें पढ़ाया गया। जब स्कूल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर बरसात का यही हाल है और हर साल बारिश में स्कूल स्टाफ के साथ साथ बच्चों को भी कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। भिवंडी में चैन स्नैचर्स का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब चलती रिक्शा में बैठे यात्री का मोबाइल झपट कर स्नैचर्स फरार हो रहे हैं। हाल ही में नारपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये वारदात अंजाम दी गई, जब एक्टिवा पर सवार स्नैचर्स ने रिक्शे में बैठे शख्स के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। हालांकि रिक्शा चालक ने उनका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। फिलहाल मामला दर्ज किया जा चुका है और जांच भी जारी है। भिवंडी के समरूबाग इलाके में मौजूद एक अवैध इंग्लिश मीडियम स्कूल पर मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद हसन समरू फाउंडेशन संस्था द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा था और संस्था के सचिव पर भी कॉरपोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन इस तरह से इलीगली चलाए जा रहे स्कूल्स चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अब भी भिवंडी में 31 स्कूल्स गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही हैं, जिन्होंने मनपा के नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया है। अंबरनाथ और बदलापुर में अब पानी महंगा कर दिया गया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की तरफ से पानी के रेट्स में 10% तक बढ़ोतरी की गई है और अब नागरिकों को 13.30 रुपये पर 1000 लीटर पानी की बजाय 14.63 रुपये देने होंगे। हालांकि यहां के नागरिक पानी की किल्लत का सामना करते हैं, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बात नहीं की जा रही। झरने में नहाने गए 3 युवकों की मौत की खबर ने सभी को दहशत में डाल दिया है। वसई स्थित चिंचोटी झरने में 18 साल के 2 युवक और 19 साल के 1 युवक की मौत हो गई, जिनके शव को बरामद कर लिया गया है। ये सभी वहां घूमने के लिए गए थे। हालांकि खबरों के मुताबिक इस झरने के पास जाने से लोकल पुलिस ने वार्निंग बोर्ड लगाकर मना किया था। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। रामनगर जैसे पहाड़ी इलाके में मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इलाका खाली करने का ऐलान किया है, क्योंकि बरसात में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं देखी जाती हैं, जिससे जानी व माली नुकसान होता है। इसी के साथ यहां एक घर की दीवारों में दरार भी नजर आई थी, जिससे घर के गिरने का भी खतरा बढ़ गया था। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कॉरपोरेशन ने जल्द से जल्द इलाका खाली करने की अपील की है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा कल फ्राइडे को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और चांद पर भेजा गया। सक्सेसफुल लॉन्चिंग का वीडियो देखते हुए भिवंडी वेस्ट MLA महेश चौगले और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर फख्र जाहिर करते हुए वीडियो शेयर किया है। भिवंडी में पिछले 3 महीनों में 4 बच्चों ने खदानों में गिरकर अपनी जानें गंवाई हैं। बताया जा रहा है कि शहर व ग्रामीण में कई खदानें मौजूद हैं, जिनके आसपास लोगों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है। बताया गया कि बरसात में खदानों से पत्थर काटने के काम पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि ये सेफ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कई खदानों में ये काम बरसात में भी जारी रखा जाता है और इसके खिलाफ प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही सेफ्टी का ख्याल रखा जाता। आपको हमारी टॉप न्यूज़ टुडे कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज़ हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर